दोस्तों पिछले कुछ हफ्तों में बोट ने उनके एयरडूप सीरीज के अंदर बहुत सारे नए नए टीडब्ल्यू सीरी फोन्स लॉन्च किए हैं। इस सीरीज के अंदर इस हफ्ते लॉन्च होने वाले तीसरे टीडब्ल्यू सीरी फोन्स है जो कि है बोट एयरडूप सुप्रीम। दोस्तों बोट इंडिया का पहला ब्रांड है जो कि आपको बजट ईयरबड्स के अंदर स्पेशल ऑडियो वाले फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। सो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टीडब्ल्यू सीरी फोन्स के डिटेल स्पेक्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्या इसकी प्राइस होने वाली है, स्पेशल ऑडियो क्या होता है। सो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं स्पेशल ऑडियो क्या होता है। दोस्तों नॉर्मली जो आप ईयरबड्स यूज करते हैं वो जनरली आपको दो साइड से साउंड प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यही चीज स्पेशल ऑडियो के अंदर बिल्कुल अलग होती है। आपको ऐसा लगता है कि 360 डिग्री से साउंड आ रही है, जिससे कि आपको मूवीज वेब सीरीज देखने में बहुत ही मजा आता है। अब बात कर लेते हैं इन ईयरबड्स के स्पेसिफिकेशंस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें इसके डिजाइन की, तो आपको बहुत ही अच्छा डिजाइन देखने मिलता है और ये टीडब्ल्यू सीरीफोन्स इतने सारे कलर्स के अंदर अवेलेबल है। इन ईयर डिजाइन है जिसके साथ आपको ईयर टिप्स भी देखने मिलती है। IPX4 रेटिंग है, जिससे कि इन टीडब्ल्यू सीरीफोन्स को आप वर्कआउट के दौरान भी यूज कर सकते हैं। अब इसके ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो कौन सा ब्लूटूथ वर्जन है वो बोट ने मेंशन नहीं किया है, फिर भी मुझे लगता है 5.3 होगा। दोस्तों इन ईयरबड्स की केस जैसे आप ओपन करते हैं वैसे आपको स्मार्टफोन के अंदर पॉपअप देखने मिलता है। कि बैटरी लाइफ की बात करें तो बोट क्लेम करता है 50 आवर्स की, लेकिन मुझे लगता है रियल लाइफ में आपको 45 आवर्स के अराउंड चल जाएगी। अब इसके साउंड की बात करें तो एयरडॉप सीरीज के अंदर आपको जनरली बेस बहुत ही अच्छा देखने मिलता है। इन ईयरबड्स के अंदर आपको स्पेशल ऑडियो वाला फीचर भी देखने मिलने वाला है। AI पावर्ड ENX टेक्नोलॉजी है जो कि कॉल के दौरान सराउंडिंग नॉइज को कैंसिल करती है, जिससे कि अगले वाले पर्सन को आपको बैकग्राउंड नॉइज नहीं सुनाई देती, जिससे कि आपका कॉलिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। और इन ईयरबड्स के अंदर आपको बजट रेंज के अंदर ईयर डिटेक्शन का फीचर भी देखने मिलता है। गेमर्स के लिए 65 ms की लो लेटेंसी है, मुझे लगता है थोड़ी सी और कम लेटेंसी देनी चाहिए थी, 50 ms के अराउंड देनी चाहिए थी। इसकी प्राइस की बात करें तो 1299 इसकी प्राइस है और इस प्राइस के हिसाब से इसके स्पेक्स तो बहुत अच्छे हैं। फिर भी मेरी सजेशन रहेगी कि लॉन्च होने के बाद 7 से 8 दिन रुकिए, रिव्यूज रेटिंग्स देखिए, उसी के बाद बाय करना कंसिडर कीजिए।